वेलकम बैक दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि हम एनिमेशन जो प्रो लेवल तक कहां तक करेंगे। तो हम आपको एक नॉर्मल सी प्रो लेवल जो है ना एनिमेशन करके दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं जी। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम इधर अपने मूवी स्टॉम वाले सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी कि इसको क्या से डाउनलोड करना है और इसका क्या यूज है, स्टार्ट में जो मैंने इंट्रो के तौर पर वीडियो बनाई थी, तो वो आप लाजमी देखें। दोस्तों हम इधर अपनी वीडियो के अंदर आ गए, तो इधर न्यू मूवी पर क्लिक करते हैं। न्यू मूवी पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आते हैं, तो इनको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इनको यूज नहीं करने वाले। हम इनपुट पे क्लिक करेंगे और टिक लगाकर इसको नेक्स्ट मूव कर देंगे। तो ये हो रहा है जी, काउंट डाउन चल रहा है इसका। ये कंप्लीट होता है तो फिर नेक्स्ट मूव होगा जी। ये देखें, ऐसे सामने कुछ बैकग्राउंड आ गए हैं और ये ओपन हो गया है। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि आज हम इन्हीं जो बैकग्राउंड है ना, इन्हीं में से कुछ आपको यूज करके दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि जो डिफरेंट मतलब बैकग्राउंड है वो बने बनाए यूज कैसे करते हैं और उनके अंदर जो आदमी लोग या फिर जो औरत लोग कैसे लेके आते हैं, इसके अंदर कैसे मतलब ये सारा कुछ करते हैं, इसके अंदर मूवमेंट और ये सारा कुछ आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी, जहां से कोई एक बैकग्राउंड पिक कर लेते हैं जी, जो नॉर्मल सा कोई बैकग्राउंड। तो हम आपको आज कैमरे की मूवमेंट भी सिखाएंगे कि किस तरह हम लोगों ने कैमरे की मूवमेंट करनी है और कुछ यहाँ पर आने वाली दरमियान में जो मुश्किल आएंगी तो वो भी आपको सिखाएंगे और बताएंगे कैसे यहाँ से खत्म करनी है। तो मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड चूज कर लेता हूँ जी, नॉर्मल सा बैकग्राउंड चूज करना है कोई, एक कर लेते हैं जी। मैं टेम्पल कर लेता हूँ जी, यहाँ पर एक मंदिर की नॉर्मल सी एक टेम्पलेट है जी, तो उस पर हम क्लिक करते हैं और इसको क्लिक कर देते हैं जी। सॉर्ट बाय डिफरेंट, ये ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है जी। तो ये आ गया था टेम्पल का ऑप्शन, जैसे ही ओपन होता है तो नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है जी। इसके अंदर हम मेन चीज होती है कैमरा। अगर आप कैमरा सही से मूव नहीं करते तो ये देखें, ये बहुत ही बेहूदा लगेगा। अगर कैमरा यहाँ से आएगा तो ये ग्रीन ग्रीन पोर्शन भी आपको नजर आ जाएगा। तो आज हम आपको कैमरे के मूवमेंट भी बताएंगे और ये देखें जी, इन्होंने कैसे ये सारा कुछ बिल्कुल अरेंज किया हुआ है, यानी कि आपको बना बनाया टेम्पलेट मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं जी, इसके अंदर चेंजेस जो है हम आपको बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके अंदर अपने जो मैन या वूमेन जो भी हमें चाहिए वो लेके आनी, देन हम इसके अंदर कैमरे की मूवमेंट करेंगे। तो आप जूम इन जूम आउट करके यहाँ पर अपने लोकेशन सेट कर सकते हैं, फिर वहां पर आप लोग अपने जो भी पर्सनैलिटी लेके आनी होती है यहाँ से क्लिक करके लेके आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं जी, फर्स्ट जो लेके आएंगे हम एक साथ ही दो चार बंदों को ले आएंगे ताकि हम लोग सिंपल एनिमेशन कर सकें और आपको आज उनकी लिप्स मूवमेंट और कैसे आप लोग पीछे अपनी ऑडियो सेट कर सकते हैं ये भी बताएंगे। तो यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं जी, जो कि यहाँ पर होंगे जी इसी के रिलेटेड। तो हम इधर से अपने हमें एक गार्ड की चाहिए, तो गार्ड ये पुलिस की आगे वर्दी और सिंपल गार्ड की वर्दी बिल्कुल नहीं, ये नहीं, इधर गार्ड की वर्दी ये होगी, यहाँ पर ये भी शायद पुलिस की है या गार्ड की, चलो ये गार्ड की वर्दी के तौर पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम इधर क्लिक करके इसका कलर ब्लैक कर देते हैं क्योंकि ये मैच हो रहा है पैंट के साथ। इधर आप पैंट का कलर भी चेंज कर सकते हैं और ये शर्ट का भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इधर से डिफरेंट चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इधर फेस पर आ जाते हैं और ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं जिनके बारे में मैंने पहले नहीं बताया था, तो आज मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। फर्स्ट हम जो लास्ट क्लास में सीख चुके हैं कि हम इसका फेस जो है वो एशियन अफ्रीकन और किस तरह का हमें चाहिए उस तरह का कर लेते हैं। तो मुझे थोड़ा सा इसको बैक करना पड़ेगा जी, यहाँ पर ये और ये देखें जी यहाँ तक। इधर हम आ जाते हैं फर्स्ट ऑप्शन पर, ये देखें डिफरेंट फेस के ऊपर जो कवर मिल रही हैं जिस हिसाब से आपका फेस वो डिजाइन हो जाएगा, मतलब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा फेस इस जैसा हो जाएगा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस जैसा हो जाएगा, वो हम इधर कोई भी क्लिक करेंगे तो हमारा फेस उस ज्यादा बना दिया जाएगा। फर्स्ट इधर से आप कोई भी फेस सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए। तो ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है भाई, इधर से हम का सा नॉर्मल सा जो इसके फेस पर कट लगे
ठीक है, डन करते हैं इसको। देन हम सेकंड ऑप्शन में आ जाते हैं। सेकंड ऑप्शन के अंदर ये कुछ थोड़ी सी चेंजेस हैं, बाकी वही है। जैसे इसको कोई मुंह पर रेडनेस डाली है, या फिर आप लोग उसको बुखार वगैरह जो भी मतलब सेट करना चाहते हैं, तो वो आईज के अंदर ये डार्क जो दिखाई हुई रेड दिखाई हुई, यहाँ से आप कर सकते हैं। मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हम इधर से कोई पका नहीं ले रहे, ताकि मसला ना बने, बिल्कुल क्लियर इसका फेस चाहिए हमें। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप डिफरेंट मास्क इसके मुंह पर लगा सकते हैं, यानी कि वो पेड्स वगैरह जो आमतौर पर लोगों ने किए होते हैं फनी टाइप के, तो वो भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी, ये आईब्रोज के लिए है। यहाँ पर आपको आईब्रोज के डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, तो हम क्लिक करते हैं जी इसकी आईब्रोज हमें किस तरह की चाहिए, तो वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये आईब्रोज नॉर्मल, यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेते, चलो ये नॉर्मल। देन इसके बाद ये दाढ़ी वगैरह के लिए भी ऑप्शंस हैं कि आप कौन सी दाढ़ी वगैरह लगाना चाहते हैं, तो आप इधर क्लिक करेंगे तो वो दाढ़ी उड़ जाएगी और ये उठा जाएगी, और ये ठीक है। आप इधर एडजस्ट करके साथ साथ अपना चेक करते रहिएगा आपको कैसा मतलब उसके अंदर कार्टून के अंदर एनिमेशन चाहिए जी। ये देखिए, एक साथ दो भी अप्लाई हो जाते हैं, ये तीन भी अप्लाई हो जाते हैं, इसका क्या हिसाब है तो मैं बताता हूँ। ये फर्स्ट अगर हम ये वाली दाढ़ी लगाएंगे तो ये नॉर्मल दाढ़ी लग रही है, और साथ में ये अटैच करेंगे तो ये फूल बन जाएगी, यानी कि उसका अलग एक स्टाइल बन जाएगा। तो हम इधर क्लिक करेंगे तो ये नीचे एक और ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट जो भी चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल सारे हटा रहा हूँ, मुझे एक सिंपल सा ही चाहिए था जो कि ऑलरेडी इधर मौजूद था, ठीक है जी। ये देखें, एक मिनट इसके ऊपर थोड़ा सा, ये देखें, हाँ जी आप देखें, आप ठीक लग रहा है जी मेरे हिसाब से। आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। देन लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना, इसके अंदर ये चोट वगैरह दिखाने के लिए या फिर ज़ोंबी टाइप कुछ ऐसा बनाने के लिए ऑप्शन है थोड़ी सी, तो हम उनको भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए इस तरह लगेगा अगर आप लगाएंगे तो। देन नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट, ठीक है। आप अगर चाहें तो आप यहाँ से ऑप्शन लगा सकते हैं। तो हम ऐसा कुछ नहीं इधर ऐड करना चाहते, तो हम इसको कट कर देते हैं। देन ऊपर कुछ ऑप्शन आ रही हैं, ये फेस के टाइप का इमोजी टाइप का ऑप्शन है, दरअसल ये कैप के लिए और हेयर्स के लिए होता है जी। यहाँ पर आप हेयर्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट कैप ले सकते हैं, यहाँ से जो सर पे अटैच करेंगे। तो हम इधर से कोई अच्छे से कैप यहाँ पे बाल ले लेते हैं, जो कि इसको थोड़ा, ये तो डरावना लग रहा है यार, इधर से भी अच्छा ये कैप भी पड़ी हुई है, तो हम इधर से ये कैप जी सर जी, ये परफेक्ट हो गया जी। हमने इधर से कैप लगा दी। देन ये कुछ ऐनक वगैरह का ऑप्शन भी है, यहाँ से आप मास्क, ऐनक, हेडफोन, तलवार वगैरह इसके हाथ में पकड़ा सकते हैं। मेरा ख्याल इधर नहीं, वो इधर से नहीं आएगा ऑप्शन, गन वगैरह का ऑप्शन उधर से आगे आ जाएगा, वो बताते हैं। तो हम ये देखें जी, ऐनक वगैरह भी लगा सकते हैं, डिफरेंट एनेक्स यहाँ से जो एनेक वगैरह क्लिक करेंगे तो देखिए मास्क लग गया, लग गया, यानी कि मास्क वगैरह भी लगा सकते हैं। और यहाँ से अगर हम किसी तलवार पर या फिर ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके पास आ जाएंगे, ठीक है जी। देन हमारे पास लास्ट जो टूल इधर शो हो रहा है वो पेन टूल का, जिसके हिसाब से उसकी बायोग्राफी लिख सकते हैं, यानी कि इसका नाम और उसका सारा कुछ लिख सकते डिटेल में दे सकते हैं, और इसका कलर वगैरह जो भी आप इधर से इसका देना चाहें तो सारा कुछ आपको इधर से देने के लिए ऑप्शन मौजूद है। देन स्टार्ट में आपको बताया ये कपड़ों के लिए है, इधर ये फेस, ये कैप वगैरह, या फिर जो भी आप इसके सर के ऊपर लगाना चाहते हैं जी, हेयर या जो कुछ भी आप चाहेंगे वो मिल जाएगा। देन ये इसके आंखों के ऊपर जो चश्मा हमने लगा दिया है तो ये उसके लिए होगा, चश्मे का कलर भी डिफरेंट डिफरेंट आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इधर ये बॉय के लिए है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक, अच्छा ये वुमेन पे आ गया, तो बॉय के लिए ये है, हम चाहता हूँ कि एक और इधर ऑप्शन ऐड कर लें ताकि हम कोई वुमेन कैरेक्टर भी इधर ऐड कर सकें। तो हम वुमेन भी ऐसी गार्ड टाइप बनाएंगे, जैसे हम प्लस पर क्लिक करेंगे तो वुमेन के ऑप्शन आ रहे हैं जी, यहाँ पर वुमेन हमें गार्ड टाइप चाहिए जी, मिल जाएगी यहाँ से, या फिर हम इधर बनानी पड़ेगी उसके कपड़े वगैरह सारे चुनने करके। तो हम इधर से देख लेते हैं कोई वुमेन ऐसी इधर,
सिंपल वूमेन पहले सिंपल वूमेन पर क्लिक करते हैं जी, ओके कर देते हैं जी। सिंपल वूमेन आ गई है, इधर से हमने इसको गार्ड्स के कपड़े जो है वो पहना देने हैं, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब ये गार्ड्स के नहीं है लेकिन आप इसको एक एम्प्लॉय के तौर पर शो करवा सकते हैं, मतलब सारा मूवमेंट जो भी आप चाहें वो आपके हाथ में है, ठीक है। ये मैंने एक इसको जैसे एम्प्लॉय होता है या फिर कोई ऑफिस वूमेन जो होती है उसका कपड़े जो पहना दिए, देन हम इन कपड़ों को भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से ब्लू और व्हाइट में, और नीचे उसका सारा कुछ कपड़े का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन हम सेकेंड ऑप्शन पे इसके लिए चले जाते हैं, वुमेन के लिए जितने भी ऑप्शन है, तो ये देखें ये भी वुमेन के ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। देन आप इधर से इसका सारा फेस चेंज कर सकती हो, तो हम ऐसा कोई इधर इसको नहीं चेंज करने वाले, तो नॉर्मल जिस तरह का है उसी तरह का रहने देते हैं जी। इधर हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाते हैं जी, इसके लिए बाल वगैरह का ऑप्शन अच्छा सा देख लेते हैं जी, ये भी अजीब लग रहे हैं। अच्छा ये हेयर जो है ना उनको भी आप वुमन के लिए अगर आप क्लिक करते हैं तो कुछ बालों पर, कुछ बालों के ऑप्शन पर ये ऑप्शन आएगा इस तरह का कि आप अप एंड डाउन उसके फेस के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो कर लीजिएगा, ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट तरह के बाल मिल जाएंगे। देन हम वापस मूव कर लेते हैं जी अपने उधर को, हेयर अच्छे से जो लगे हैं इसके ऊपर तो सिलेक्ट कर लेते हैं जी, ये सिलेक्ट कर लेते हैं जी। तो आपने इसी तरह अपना कैरेक्टर जो है उसको सेट करना है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप अच्छा सा कैरेक्टर बना लोगे, तो थोड़ा टाइम लगाइएगा, कैरेक्टर आपका अच्छे से अच्छा बन जाएगा। तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है, क्लिक कर लेते हैं जी, करते जाते हैं जी, जहां पर हमें लगेगा कि ठीक है तो हम ओके कर देंगे जी। थोड़ा ये ओके है जी, इसके ऊपर परफेक्ट मैच नजर आ रहा है। देन हम इधर क्लिक करते हैं जी डिफरेंट कैप्स पर, अगर हम कोई कैप वगैरह इसके साथ पर देना चाहते हैं तो हम इधर से इसके कैप ये देखें इस तरह जो कैप वगैरह पहना सकते हैं जी, ये देख लें। लेकिन हम नहीं चाह रहे तो सिंपल हेयर पर वापस जाकर इसके जो बाल हमने लगाए थे वो वापस लगा दें। देन अगर हम कोई चश्मा वगैरह या कुछ भी चाहते हैं तो हम वो उसके फेस पर ऐड कर सकते हैं जी, ये मैंने फर्स्ट वाला सिंपल सा ऐड कर दिया है, जो देखने में भी अच्छा लग रहा है और इसके फेस पर भी अच्छा ही लग रहा है, तो ये हम हटा देते हैं इधर से। देन जो भी आप गैजेट मैन की तरह वो सारे गैजेट इसके भी आ जाएंगे, यानी इसके भी इधर आप बायोग्राफी लिख सकते हैं, तो मैन और वुमेन दोनों के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम उनको अपनी मेन वीडियो के अंदर आते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये ड्रेसिंग रूम है, तो याद रखिएगा ड्रेसिंग रूम में आकर आप जो भी ज्वाइन करेंगे वो ही आपकी वीडियोज में भी नजर आएंगे, ठीक है। तो इधर हम आए हैं तो ये एक फीमेल और एक स्टार के नाम से ऑप्शन आ गया है, तो हम इधर चाहें तो एक इधर फीमेल के ऊपर क्लिक करके इधर फीमेल को ले आएंगे, ठीक है। ये मैं एक फीमेल को इधर ले आया जो कि यहाँ पर खड़ी है, ठीक है। तो मुझे मेल चाहिए, मेल को मैं इधर से क्लिक करके एक मेल को हम इधर ले आते हैं जो कि इधर वेट कर रहा है, स्टार पर क्लिक करते हैं, देन प्लेस, ठीक है जी। ये गार्ड मैंने इधर खड़ा कर दिया, तो ये गार्ड की आप मूवमेंट भी करवा सकते हैं जी, मूव हियर, तो ये वहां पर मूव करेगा। लेकिन आपको एक चीज बताते चलेंगे, जैसे आप मूव करवाएंगे तो आपने ये चीज का इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो मूव कर रहा है तो वो क्लियर हो रही है, ये देखें एक गमले के बीच से गुजर रहा है, तो हम इसको कट करते हैं जी, कंट्रोल जी करेंगे तो ये फिर अपनी लोकेशन पर आ जाएगा, फिर हम कंट्रोल जी करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा अपनी ऐसी जगह पर प्लेस करता हूँ, यहाँ पर प्लेस, ये जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक बार फिर देख लें, यहाँ पर प्लेस के दो ऑप्शन आएंगे, स्टार्ट सीन या फिर प्लेस हियर। इसका मतलब है जहां पर आपने वुमेन को खड़ा किया है वही सीन यानी कि स्टार्ट से ही यहाँ पर वो आए, यहाँ पे जहां से आप चाह रहे हैं वहां से वो आए, ठीक है।
हम जा रहे हैं जहां पर वुमन खड़ी की है, तो हम इधर प्लेस कर देते हैं नीचे से, इधर टाइमलाइन से इसको शुरू कर ली जाकर, यानी कि शुरू से ही दोनों नजर आएंगे। अगर आप कैमरा मारेंगे तो दोनों शुरू से हमें नजर आएंगे, ये गॉड भी और जो खड़ी हुई है वो भी। अब हमें इधर क्या चाहिए, हम इसकी मूवमेंट करवाना चाहते हैं, तो मैं इसकी मूवमेंट के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखा देता हूँ जी। ये हैंड अप हैंड्स अप भी कर सकता है, शाउट आउट भी करेगा, डायर के लिए नो फैक शाउट बैक फ्रंट राइट एंड स्ट्रेंज, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन इसको आपको मिल जाएंगे। राइट पोज वॉल, ये वॉल के रिलेटेड जो होगा वो भी आप कर सकते हैं, और ये क्राउन, ये वो सारा कुछ आप इधर से जो भी आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये बोले तो आप इधर क्लिक करके सेव पर जो भी बोलेंगे, माइक अटैच किया हुआ होगा तो वो बोलता जाएगा, ठीक है। हम इस अगर नहीं चाह रहे तो हम फिलहाल की वॉइस जो है वो कट कर देते हैं, यानी कि हम इसके अंदर वॉइस अभी नहीं डालेंगे। देन इधर आप इसके अंदर जाएंगे गेस्चर के अंदर, तो एक गेस्चर के ऑप्शन के अंदर ये प्लस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ गए हैं जो आपके पीसी में लोड होंगे, तो आप इधर से देख लेना। यहाँ पर आई मोशन के रिलेटेड कुछ ऑप्शन हैं, आई अप एंड डाउन, ब्लिंकिंग, आई ब्लिंक्स, डबल क्लिक करेंगे तो ये दो बार आपकी बंदा जो है वो आई ब्लिंक करेगा, यानी कि जितनी बार क्लिक करते जाएंगे वो उसी वक्त उसी टाइम वो आई ब्लिंक करेगा। देन इसको क्लोज करते हैं जी। हमें नेक्स्ट हेड के रिलेटेड चाहिए, तो इसके नीचे जो लुक माउथ पे क्लिक कर लेते हैं जी। सैड दिखाना है या फॉर्टी दिखाना है, जो मतलब जिस तरह का आप अपना फेस दिखाना चाहते हैं। स्माइल स्टार्ट, हंसना शुरू कर दीजिए, ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। हम इधर स्टॉप पर क्लिक करने के बाद ये सारा कुछ अटैच हो गया है, ये यहाँ से भी आप लोड कर सकते हैं जी। स्टॉप पर क्लिक करेंगे तो गेस्टर वगैरह, ठीक है। तो गेस्टर का नेम भी यहाँ से दे सकते हैं जो आप देना चाहें सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। मैं इधर से इसको कट कर देता हूँ क्योंकि वो मेरे ऐड हो गए हैं। आप चेक करते हैं जी, ये बंदा वो मूवमेंट कर रहा है, आईज ब्लिंक का तो नजर नहीं आएगा क्योंकि हमने इसकी एरक लगा रखी है, तो हम फेस का देख लेते हैं जी, ये स्माइल करता है कि नहीं, ठीक है। ये देखिए ये स्माइल कर रहा है, ठीक है, ये स्माइल अपने हिसाब से कर रहा है। देन हमें क्या करना है, हमें इसको मूवमेंट करना है। अभी आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पर भी हमने एक खड़ी की हुई है एम्प्लॉय, तो हमें ये इसको मूव करवा कर यहाँ पर लेके आना है ताकि ये यहाँ पर आए। इस पर क्लिक करते हैं जी, स्टार पर क्लिक करने के बाद इसको मूवमेंट पर लेके आकर टेलीपोर्ट, इसको अच्छा इधर क्लिक करते हैं जी, इसको इधर लेके जाना है, यहाँ पे इधर लेके जाना है जी। आपने डिसाइड कर लेना है कि आपको इसको इधर लेके जाना है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इसको इधर मूव करवाना चाहता हूँ। टेलीपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फॉरन उधर मूव कर जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी लोकेशन यहाँ से सेट हो, यहाँ से मेरा वो वहां पर मूव करे, तो आप वहां पर कर सकते हैं, यानी कि ये टेलीपोर्ट एकदम से उधर हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा अजीब लगेगा आपके कार्टून में, तो हम इसको कंट्रोल जी करके खत्म कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से मूव करे और मैं इधर मूव पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर भी मूव करेगा, और यहाँ पर हमने क्लिक किया वहां पर क्लिक करने के बाद अपनी लोकेशन उसी तरफ मूव करके खड़ा हो जाएगा इधर हम चाहेंगे, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि ये अपना पोज चेंज करे तो चेंज मूड भी कर सकते हैं, एक्सप्रेशन भी, और यूज प्रॉप, ये डिफरेंट एक्टिव जो हम एक्टिव अभी चीज की है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम इधर से इसको क्लिक करते हैं, इस पोस्टर पे चले जाते हैं, सभी क्लिक करते हैं पोस्टर पे, और टर्न यहाँ से आप कितना डिग्री आप चाहते हैं वो आप टर्न करवा सकते हैं, वो उतना ही टर्न हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अगर आप इसको 360 डिग्री टर्न करवाएंगे तो वो 360 डिग्री भी टर्न होगा। मैं इधर आता हूँ, 90 तक होता है मेरे लिए यहाँ पर ऑप्शन, तो ये 90 तक भी सॉरी टर्न करेगा। टर्न पर जाने के बाद 180 तक है ऑप्शन, तो 180 तक इसको टर्न करेंगे, अपनी इक्वेशन में बिल्कुल परफेक्ट हो गया इधर, यानी कि ये आएगा और 180 डिग्री में आ जाएगा, यानी कि ये ऐसे यहाँ पर खड़ा होता है, हम इसको खींच कर इसके ऊपर कर देते हैं, इसको ठीक है, ये बिल्कुल जैसे ये खड़ा होगा अपने जगह पर ये टर्निंग ले लेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी एम्प्लॉय के ऊपर जो वर्क है वो करना है, ठीक है जी। हम फर्स्ट ये स्टेप बना रहे हैं, तो हम फीमेल पर आ जाएंगे और ये हमारे एम्प्लॉय पर क्लिक हो गया।
तो यहाँ से आप फेशियल एक्सप्रेशन भी इसके चेंज कर सकते हैं जिस तरह के आप चाहें। तो हम इसको खुश दिखाना चाहते हैं तो हम इसके हैप्पी पर फुल कर देते हैं और ऐड कर देते हैं, यानी कि ये ऐड बिल्कुल हंसती हुई नजर आएगी। अगर मैं जूम इन करता हूँ तो आपको ये फेस इसका मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। ये देखिएगा जैसे ये देखिए स्माइल कर रही है, बिल्कुल हल्की सी आपको मालूम होगी, इतनी ज्यादा नहीं, वो से देखिए। देन हम इसको इधर से पोस्टर पे जाएंगे और स्क्योर अप टू फाइट पर क्लिक करेंगे तो वो फाइट के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है, हम बैक पर चले जाते हैं। पुट हैंड बिहाइंड दी स्टैंडिंग हेड, सर के पीछे ये हाथ रखने के लिए ऑप्शन होता है, क्लिक करने के लिए देखें इस तरह ये ऑप्शन करेगी, या जो भी आप चाहें यहाँ से मूवमेंट करवा सकते हैं। शाउट आउट पर क्लिक करेंगे तो ये सारा कुछ हो जाएगा। अब हम इसकी मूवमेंट भी करवाना चाहते हैं तो हम इधर इसकी मूवमेंट इधर तक करवा लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट मूवमेंट करेंगे। अच्छा हम अभी चाहते हैं ये देखिए ये वॉल के पास जाकर जैसे कुछ देख रही हो इस टाइप का कुछ सीन बना है, लेकिन हम चेक करते हैं कि ये वॉल को कट तो नहीं कर रही। तो ये देखें ये वाल को कट कर रही है, तो आपने इस हिसाब से लोकेशन सेट करनी है कि ये किस चीज को कट ना करे और आपके कार्टून अच्छी तरह बने और आपके कार्टून में कुछ गलती ऐसी ना आए कि लोग आपके एंजॉय ना करें। तो हम इसको इधर पॉइंट हाइड लुक एट बुद्धा, ये देखें ये इसकी तरफ देखना शुरू कर देगी। बुद्धा यानी कि ये टेम्पल का जो भी इनका बना हुआ है इसकी तरफ ये देखना शुरू कर देगी और इसको इधर हम मूवमेंट करवा ये मूवमेंट करके इधर आ गई और इधर से ये मूव हेयर भी करेगी। देन मूव हेयर आप इस हिसाब से इसकी मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप इसी तरह इसको आहिस्ता आहिस्ता क्लिक करके इधर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर मूव करवा सकते हैं, लेकिन आपको अभी विंडो के साथ इसको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको इसी तरह नजर आएगी, ये इस तरह आपको शो करवाना पड़ेगा थोड़ा फास्ट। इतना भी ज्यादा नहीं, इस तरह की यहाँ से बिल्कुल मूव की रुकी ही नहीं और मूव करती रही। ठीक है, एडिटिंग के दौरान आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। डन हो गया, हम इसको इधर मूव करते हैं। अब जी हमें क्या चाहिए, हम इधर कुछ करेक्टर्स और भी आपको ऐड करके दिखा देते हैं, बल्कि इन करेक्टर के साथ ही मूवमेंट करते हैं। करेक्टर ज्यादा ऐड होंगे तो वो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। देन हम इसको इधर से चेंज मूड गेस्चर, हम इसके गेस्चर पर क्लिक करेंगे और ऐड पर क्लिक करेंगे तो इधर डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। ये सिंगिंग का ऑप्शन भी है, ये स्टार्ट सिंगिंग भी कर सकती है अगर हम क्लिक करें तो। ये देखते हैं जी सिंगिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके ये क्या करती है, ये देखें वो उसने हाथ बांध लिए और अपनी वो काम स्टार्ट कर दिया जो सिंगिंग का था। तो हमें इस तरह का कोई गेस्चर इसमें नहीं देना। ठीक है, इधर से हम इस गेस्चर को डिलीट कर देते हैं, क्लिक करके डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये वापस आ गई है जी। इसका एक एक्स्ट्रा डिलीट हो गया जो ऑप्शन हमने बनाया था, तो इधर क्लिक करते हैं जी। या ठीक है, अब हमें कैमरा चाहिए तो हम कैमरे पर ऑप्शन पर आ जाते हैं, मेन कैमरे पर क्लिक करते हैं। इधर आने के बाद इधर से हम थोड़ा जूम आउट करके देख लेते हैं जी क्या हमारे पास सिचुएशन क्या है। ठीक है जी, यहाँ पर हमारी बिल्कुल क्लियर है, ये देखिए ऊपर से सन भी आया हुआ है, ये सीन बिल्कुल परफेक्ट क्रिएट किया गया है ताकि आप लोग यहाँ पर आए और आपका ये बिल्कुल जूम आउट जूम इन हो जाए और आपका कुछ इधर से अच्छा सा इंप्रेशन जाए। ठीक है, हम इधर कैमरा स्टार्ट में जो है अपना इधर सेट करना चाहते हैं कि कैमरा थोड़ा जूम होता जाए और इधर से यहाँ तक जूम करता जाए इस लड़की के फेस की तरफ और इसकी मूवमेंट हम स्टार्ट में दिखाना चाहते हैं। तो हम इधर क्लिक करते हैं और इसको जूम और थोड़ा सा इधर फिर क्लिक फिर जूम। ठीक है, अब यहाँ पर हम एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो कैमरा यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं जी, यहाँ पर कैमरा सेटल डाउन हो गया, ये स्टार्ट किधर से हो रहा है जी, बिल्कुल वहां से जी, बिल्कुल ये अजीब सा लग रहा है। ठीक है, हम ये वाला कैमरा यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम स्टार्ट यहाँ से नहीं देना चाहते, तो हम बिल्कुल स्टार्ट से देना चाहते हैं। तो हम इस कैमरा को शुरू में ले जाते हैं जी। यहाँ पर अब देखिएगा ये हमारा स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। ठीक है, ये देखिए अपनी मूवमेंट इधर से स्टार्ट कर रही है,
तो हमारा स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है। हम इस कैमरे को भी डिलीट कर देते हैं, एक बार फिर से आपको करके दिखाते हैं हमने करना क्या है। हम जूम पर आउट पर चले जाते हैं जी, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ये कैमरा हम ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर इधर आने के बाद हम इधर डबल क्लिक करेंगे स्क्रीन पर, उसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे, जितना आप चाहें उतना जूम आउट कर सकते हैं। लेकिन आपने ये करना है कि लोकेशन ना खराब हो, आपकी लोकेशन जो बनी हुई है वो ग्रीन ग्रीन सा नजर ना आए, बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन नजर आए, ठीक है। इधर आने के बाद हम नेक्स्ट इसको मूव करते हैं जी, थोड़ा सा बैक पर चले जाते हैं ताकि हमारा वो क्लियर कट मूवमेंट हो, ठीक है जी। दोस्तों ये देखें, ये कैमरा मूवमेंट आपको करके दिखा देते हैं जी, ये देखें बिल्कुल लेडी के फेस के ऊपर वो मूवमेंट आ जाएगी। अब हमें इसको क्या करना है, यहाँ पर वो लेडी वॉक स्टार्ट कर रही है तो हमें इसको इधर खत्म कर देना है, इस कैमरे को इधर खत्म कर देना है। देन हमें अपना कैमरा जो है वो मूव करना है इधर इधर, और हम अपने कैमरे को मूव करवा कर अपने गार्ड को दिखाना चाहेंगे। हम इधर गार्ड को जो हमने इधर खड़ा किया हुआ है उसको दिखा देंगे, तो हम इधर से एक और कैमरा ऐड कर लेते हैं जी। आप चेक कीजिएगा यहाँ पर ये जूम ये इधर आ जाएगा, यानी कि अगर हम जौन सा कैमरा ऐड करेंगे हम इधर से ये देखिएगा, इधर ये लेडी का नजर आ रहा है और लेडी का वॉक से पहले ही इधर इसने इसको दिखा दिया कि यहाँ पर ये भी है। लेकिन हमने जो कैमरा ऐड किया था वो जूम इन जूम आउट के लिए था, तो हम इस कैमरे पर रहने देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है जी। ये कैमरा भी डिलीट कर देते हैं, इसको बाद में ऐड करेंगे, पहले जूम इन जूम आउट वाला कैमरा ही रहने देते हैं इधर। और हमारा जूम आउट कैमरा जो भी था वो इधर से ऐड कर लेते हैं जी। ये देखिएगा कैमरे पे क्लिक करेंगे और ये लड़की के फेस पर जूम ऑन जूम इन जूम आउट हुआ, यहाँ पर ये मूवमेंट करी है, तो हम यहाँ पर आएंगे और एक और कैमरा ऐड करेंगे। देन हम नेक्स्ट कैमरे पर क्लिक करेंगे तो हमारा कोई मसला नहीं बनेगा, जैसे हम मूवमेंट करते जाएंगे और ये गार्ड के फेस पर ले आएंगे। गार्ड के फेस पर लाने के बाद आप इधर अपना कैमरा दूसरा जो है वो लॉक कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर ये देखिएगा, ये इस तरह मूवमेंट होगी, ये देखिए फर्स्ट इसने मूवमेंट दिखाई है जो हमारी एम्प्लॉय हमने बनाई थी, देन ये इसकी मूवमेंट दिखाई गई है, देन ये फिर यहाँ से कैमरा मूव होता होता बिल्कुल क्लियर मूव हुए, बिल्डिंग भी इसमें थोड़ी बहुत दिखाई और हमारे गार्ड के ऊपर तैयार हुआ है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा आहिस्ता ये कैमरा मूव हो, तो हम थोड़ा आगे भी कर सकते हैं इसको, तो देखिएगा इधर से ये इधर गया, देन फिर ये आहिस्ता 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 बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसकी मूवमेंट की सारी वो वॉक दिखाकर देन ये हमारा कैमरा आगे चला गया। तो हम थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं ताकि हमारे कैमरे में जो मूवमेंट है वो अच्छी तरह कैप्चर हो जाए, ठीक है जी। ये देखें हमने आज ये सीखा कि हम कैमरा कैसे कैप्चर करेंगे और जो ग्रीन ग्रीन ऑप्शन था उसको किस तरह खत्म करेंगे। तो हमारा टू के अंदर ये हमने क्लास टू के अंदर ये सीखा, तो अब हम उसके नेक्स्ट ऑप्शन में कटिंग में चले जाएंगे, यानी कि हम सीन जो कट करना चाहते हैं या जो भी हम बीच में से कट करना चाहते हैं या फास्ट या मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कट करने वाला, लेकिन आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपकी मूवी वाला ऑप्शन आ जाएगा जो हम सीन बना चुके हैं कैमरे के साथ, देन यहाँ पर वीडियो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑडियो इंपोर्ट कर सकते हैं, इमेजेस इंपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर कुछ फिल्टर हैं तो हम ये फिल्टर वगैरह भी लगाकर अच्छे से अपनी वीडियो को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी यहाँ से फिल्टर यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद इधर टाइटल्स और क्रेडिट्स हैं, तो यहाँ पर आप अपना जो स्टार्टिंग टाइटल वगैरह वो दे सकते हैं, यानी कि आपकी वीडियो स्टार्ट हो तो वहां पर ही टाइटल शो हो, ठीक है। हम मूवी दर फुटेज पे चले जाते हैं, लाना पेश आए और एक अच्छी सी मूवी बना सकते हैं। 3 से 4 हफ्ते के अंदर अगर आप एक वीडियो भी बना लेते हैं एनिमेशन की, तो आपके यूट्यूब चैनल पर काफी अच्छे व्यूज आ सकते हैं एनिमेशन के साथ। तो हम नेक्स्ट इसके बाद अगली क्लास में भी सीखेंगे कुछ, तो अभी इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। 720p पे क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, हम HD पर क्लिक करेंगे तो ये HD फॉर्म में सेव होगी। अगर हम कस्टम पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से अपनी मर्जी की जो भी फॉर्म है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ से 29 कर लेता हूँ। देन इसके बाद अल्ट्रा पर आकर यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर नया यस और नो हमने नो पर रखना है, क्योंकि अगर हम लेफ्ट और राइट पर रखेंगे तो बहुत थोड़ा अजीब सा वो कॉम्बिनेशन आ जाएगा। देन एड टू मूवी आइडेंट
इस पर भी ठीक है, अगर आप लगाना चाहें तो वो आपकी उधर मूवीज टॉम्बी आइडेंट में ऐड हो जाएगा, यानी कि आप जब ओपन करेंगे तो वो रिज्यूम में फिर से पड़ा होगा। यहाँ से ब्राउज पर क्लिक करेंगे और हम इधर से अपनी लोकेशन सेट कर लेते हैं। इधर हमारे पास एक अब फोल्डर पड़ा हुआ है, न्यू फोल्डर, इसके ऊपर हम टिक लगाते हैं, देन हम इधर से टिक करेंगे तो यस और नो और यस पर क्लिक कर देंगे और ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, ये हमारा सीन एक्सपोर्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम आपको कार और डिफरेंट चीजें की जो है ना वो मूवमेंट करके दिखाएंगे कि हम कैसे मूवमेंट करते हैं और कैसे ये सारा कुछ मूव होता है। तो दोस्तों वेट करिए, जब तक ये होता है तो मैं वीडियो को मूव फॉरवर्ड कर दूंगा यहाँ से, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। जैसे ये बनता है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि नेक्स्ट सीन किस तरह का नजर आएगा और हम इसे कौन से सॉफ्टवेयर में जाकर जो सीन वगैरह हम कट करना चाहते हैं या फिर मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो ये सेव हो रहा है, तब तक ये सेव हो जाए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ आ रहे बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा, ताकि ऐसी मालूमती वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, हमारे ग्रुप सैफ ब्यूटी फैमिली के नाम से है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके कुछ रिलेटेड जो है वो ऑप्शंस आ रहे हैं, वो शो करवा रहा है कि आपने क्या क्या चीजें की हुई है या फिर क्या क्या कर सकते हैं आप फर्दर इसके अंदर। जी हमारी मूवमेंट हो रही है जी, हमने 5:10 के अंदर वो मतलब उसकी रेशो होती है उसके हिसाब से मूवमेंट की है, यानी कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इतनी अच्छी भी नहीं है लेकिन परफेक्ट है हमारी, वो काटनी हुई कहीं से और हमारा वो सारा कुछ मूव हुआ। अगर हम चाहें तो अकेले अकेले दोनों कैप्चर सीन कर सकते हैं, यानी कि अकेले वो लेडी का भी कैप्चर कर सकते हैं जिसके अंदर हमारी वो लेडी मूव कर रही है, फिर देन इसका कैप्चर करेंगे तो हमारा मैन वहां से मूव करके यहाँ पर स्टोरी के लिए आ खड़ा हुआ। इसके हाथ में हम पिस्टल वगैरह भी पकड़ा सकते हैं और वो फाइट वगैरह करवानी हो तो वो भी करवा सकते हैं। ये सेव हो गया जी, हम कट पर क्लिक करते हैं जी, हमारे फोल्डर पर चले जाते हैं जी, यहाँ पर न्यू फोल्डर के नाम से हमने एक फोल्डर रखा हुआ है जी, ये पड़ा है हमारा न्यू फोल्डर, देन मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ये यहाँ पर हमारा कुछ एनिमेशन टाइप का वो ऑप्शन आ गया।